मैंने तो आरक्षण पर एक शब्द नहीं बोला और ये आरक्षण पर सफाई भी देने लग गए। अब देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। पर अब ईडी और सीबीआई को एक बार अडानी अंबानी के घरों पर जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर ये टेम्पो खड़े हुए हैं कि नहीं। मैं आपको उनके पूर्व मुख्यमंत्री का आज का बयान सुनाता हूं, चन्नी जी उनका नाम सुनिए। अडानी अंबानी पर भी अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला कि हमें पैसे मिलते तो हम पार्लियामेंट में नहीं बोलते। स्थल के बारे में बोलो ना, बेकार है। वेटिकन में जो है या कोई और धर्म का स्थल है बोल के तो देखो सर तन से जुदा के नारे आ जाएंगे। के पास स्टैंड नहीं बताया आपने। देखिए जबान हिलाने पर तो कोई टैक्स लगता नहीं। जो आज मोदी जी जबान हिलाकर आए और अनर्गल आरोप लगाकर आए कि मुसलमानों की तुलना कुत्ते के पिल्ले के साथ करने वाले जो इनके सर्वोच्च नेता हैं। एक बार आज मैं कहता हूं आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, मैं तैयार हूं अंजना को लिख कर देने के लिए। रागिनी लिख कर दे दे कि अभी तक जो धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया है वो गलत है, आगे नहीं देंगे, एससी ओबीसी कोटे से काटकर नहीं देंगे। आज की रिपोर्ट बहुत शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में चारों चरणों का मतदान सम्पन्न हो चुका है, बस अब तीन चरणों का मतदान ही बचा है। ऐसे में कोई भी सियासी पार्टी इन तीनों चरणों के मतदान में पीछे नहीं रहना चाहती है। महाराष्ट्र में चुनावी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्म के नाम पर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा कि इन्होंने धर्म के नाम पर को बांटा है और आज भी धर्म के नाम पर भांति भांति में बंटवारा करने में लगे हैं। तो आज की वीडियो तमाम अन्य मुद्दों के ऊपर होने वाली है। तो आज की वीडियो में आप लोग देखोगे कि बीजेपी की तरफ से है शहजाद पूनावाला जी और कांग्रेस की तरफ से है रागिनी नायक जी। तो आज की वीडियो बहुत मजेदार और फनी होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म, एक सेकंड, ये शब्द डालने की जरूरत क्या थी? और सभी जानते हैं कि बहुसंख्यक इस देश में कौन है। ये शब्द डालने के पीछे की वजह आप ही समझा दीजिए रागिनी जी, फिर बताइएगा कि कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है। अंजना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अभी दो दिन पहले जब नामांकन भरा मोदी जी ने, तो वहां पर एक आप ही के जैसे बड़ी सुप्रसिद्ध महिला एंकर है, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा था। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान कर दूं तो मुझे सार्वजनिक जीवन से त्याग कर देना चाहिए, सार्वजनिक जीवन को छोड़ देना चाहिए। और वो इतना, मैं समझती हूँ कि उस पर तो अंधभक्तों को भी हंसी आ गई होगी कि भैया झूठ बोला जाए तो ऐसा बोला जाए। और अभी दो दिन नहीं बीते ये कहे हुए और आज फिर खड़े होकर अल्पसंख्यक और मुसलमान और हिंदू और बजट, बात बजट से शुरू हुई, आरक्षण पर आ गए। मैंने तो आरक्षण पर एक शब्द नहीं बोला और ये आरक्षण पर सफाई भी देने लग गए। अब देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही। मेरा प्रश्न कुछ और था, 35 करोड़ बरामद हुए थे। हाँ सही कह रही हैं अंजना जी, आम आदमी ये भी कल्पना नहीं कर सकता कि अडानी और अंबानी कितने टेम्पो में भर भर के काला धन पहुंचा रहे, किस किस को पहुंचा रहे थे। अब मोदी जी की कठपुतलियां हैं, देखिए ना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, वो जाएंगी विपक्ष के लोगों के घरों में, छापे मारेंगी, नोट, मैं तो कह रही हूँ जिसने बेईमानी की वो पकड़ा जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पर भैया खुद तो जब मरघट में 24 घंटे लाशें जल रही थी, देश के लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, तब जिस कंपनी ने कोविशील्ड बनाई 52 करोड़ रुपया उससे चंदा लेकर मरने के लिए छोड़ दिया, मौत पर भी मुनाफाखोरी कर ली, वो 52 करोड़ भी अगर दिख जाता ना अंजना जी तो भी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जा। पर अब ईडी और सीबीआई को एक बार अडानी अंबानी के घरों पर जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर ये टेम्पो खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े। अभी रागिनी जी ने कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ। मेरी बात को तो वैसे पिछले सेगमेंट में रागिनी जी ने माना नहीं, मैं तो ठहरा गरीब मुसलमान के परिवार से। उन्होंने कहा दिया कुमारी का बयान हम मानते, ठीक है। मैं आपको उनके पूर्व मुख्यमंत्री का आज का बयान सुनाता हूँ, चन्नी जी उनका नाम सुनिए। अरविंद केजरीवाल जमानत के बाद पहली बार पंजाब आए हैं, रोड शो करने वाले थे उम्मीदवारों के हक में, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की केजरीवाल एक शराब दे बहुत बड़े कपाले च नामजद जेल तो सिर्फ 15 दिन वास्ते बाहर आ रहा है, अजिहे बंदे पर असीं क्या विश्वास कर सकते हैं? दिल्ली के बहुत बड़ा शराब का घोटाला होया तो उही घोटाला पंजाब भी होया। अंजना जी आज का बयान है, हो सकता है आपके यहाँ पे चलेगा आगे जाके, उम्मीद है मुझे। ये चन्नी जी ने कहा कि ये केजरीवाल शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, 15 दिन की इसको केवल कैंपेनिंग की परमिशन मिली है, ये शराब घोटाले का किंगपिन है, ये उन्होंने बोला है। अब मेरा बयान तो है नहीं, अब ईडी सीबीआई के विषय में उन्होंने इतनी बातें बोली है। यही ईडी सीबीआई की जब गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई और बाकी नेताओं की हुई तो दिल्ली कांग्रेस के नेता जो है सेलिब्रेट करते थे। अभी भी पंजाब कांग्रेस में यह बात कही जाती है कि आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट है, वहां पर 40,000 करोड़ का घोटाला किया है। जब आम आदमी पार्टी इनके से अलग थी, इनका निकाह नहीं हुआ था, तो कहती थी छत्तीसगढ़ पर जो ईडी की कार्रवाई है वो बिल्कुल सही हो रही है, भूपेश बघेल और राहुल गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए। पर चलिए इन्होंने स्टैंड बदल दिया है। मैं आता हूं दूसरी बात पर, अडानी अंबानी का इन्होंने जिक्र किया। मैडम अडानी अंबानी पर भी अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला कि हमें पैसे मिलते तो हम पार्लियामेंट में नहीं बोलते। अब हम चुप हो गए हैं, अब क्यों चुप हुए हैं इन्हीं से पूछ लीजिए। उनके नेताओं ने सत्यापित की मोदी जी की बातों को, हमने नहीं कहा, क्या नहीं कहा अधीर रंजन चौधरी ने? चलिए आपको मौका मिलेगा तो आप बता देना ये बात को। आगे बढ़ते इन्होंने कहा कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये वो दूसरे नेता भी है जो इंडिया अलायंस के, उन्होंने भी कहा। तो मुझे बता दीजिए वोट जिहाद जो है ये सेकुलर बात होगी, राम मंदिर बेकार है ये भी सेकुलर होगी, किसी और धर्म के पावन स्थल के बारे में बोलो ना बेकार है,
वेटिकन में जो है या कोई और धर्म का स्थल है, बोल के तो देखो सर तन से जुदा के नारे आ जाएंगे। सीए पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का, जिस पर गृहमंत्री ने अंजना जी सीए चुनाव में मुद्दा बनेगा, 370 भी मुद्दा बना था, नया कश्मीर का नारा भी दिया था। जब चुनाव लड़ने की बात आई कश्मीर में तो डर के काहे भाग गई भारतीय जनता पार्टी। एक बार शहजाद पूनावाला से पूछ के बताइए, किसी भी एक लोकसभा सीट पर कश्मीर में चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? आज धर्म से जुड़ा जो मुद्दा होगा उसको अमित शाह भी उठाएंगे, नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे, पर जनता कहेगी कि जो प्रधानमंत्री उड़ीसा में आकर जिलों की राजधानी पूछ रहा है वो कितना जनता के प्रति और एक एक कॉमन सेंस के प्रति जागरूक है, ये सब लोग समझते हैं। 10 साल में जो एक प्रेस वार्ता नहीं कर पाए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण नहीं दे पाए, वो क्या करेंगे? नहीं, सीए पर आपने स्टैंड नहीं बताया रागिनी जी सीए पर स्टैंड नहीं बताया आपने। क्या कांग्रेस पार्टी ये लिख कर देने को तैयार है? वो सीधी चुनौती दे रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, जो संविधान कहता है। अंजना जी देखिए, जबान हिलाने पर तो कोई टैक्स लगता नहीं। जो आज मोदी जी जबान हिलाकर आए और अनर्गल आरोप लगाकर आए, वैसे ही जुबानी जमा खर्च का काम आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, शहजाद हमारे साथ एनएसयूआई के समय पे भी रहे थे, हमारे छोटे भाई की तरह ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी आज किया। तो देखिए, बात आपने शुरू की बजट से, मैं तो आशा कर रही थी कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के किसी बजट की कॉपी लेकर आते और हमारे न्याय पत्र की कॉपी लेकर आते और दिखाते कि कहां पर हम ये बात कह रहे हैं कि 15% जो है बजट वो अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा, या कहां पर हमने ये कहा कि न्याय पत्र में ऐसा कोई प्रावधान है कि 15% जो हम नीति बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, वो सीधी सीधी अल्पसंख्यकों के पास जाएंगी? कहीं नहीं था। ऐसा ही कोई दस्तावेज अगर शहजाद पूनावाला भी दिखाते तो उनके सवालों में मैं दम समझ कर जवाब देती। जब हमने लिखकर कहीं ये दिया ही नहीं कि 15% हम बजट अल्पसंख्यकों के लिए बनाना चाहते हैं, या हमने ये कहीं लिखा ही नहीं कि आगे जाके हम सारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, तो अब हम उसको लिखकर इनके अनर्गल आरोपों का जवाब क्यों दें? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन 2-3 बातें मैं यहां जल्दी से कह देना चाहती हूं। पहली बात तो ये कि मुसलमानों की तुलना कुत्ते के पिल्ले के साथ करने वाले जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और गरीबों के विरोधी लगातार इस तरीके की दोगली राजनीति करने के माहिर हैं। तो भैया, पसमंदा मुसलमान हूँ, ये तो शहजाद भी विक्टिम कार्ड बहुत बार खेलते रहते हैं। मोदी जी अमरोहा जाते हैं तो कहते हैं शामी हमारा भाई है क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए। बनासकांठा जाते हैं तो कहते हैं मुसलमान घुसपैठिए हैं। तो इस तरीके का व्यवहार मोदी जी ने कई बार करके दिखाया और वो अब बढ़ता जाएगा। सवाल है कि अगर पीएम ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर वो बजट देंगे, तो किस तरीके से इसको, क्या समझाइए जरा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें समझने की बात क्या है, ये तो वास्तविकता है। याद नहीं है, मनमोहन सिंह जी ने 2006 में कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का होगा। उसको फैक्ट चेक करने का प्रयास आपके कॉलीग ललन टॉप से बड़े भरसक प्रयास किए उन्होंने, परंतु 2009 का बयान सामने आ गया, उसके बाद वो भी चुप हो गए और उनका इकोसिस्टम कांग्रेस का चुप हो गया। और कांग्रेस ने तो ये पहले भी किया है ना, आप पूछे कांग्रेस पार्टी से कि क्या कर्नाटका में पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का काम 94 में मोइली ने ओबीसी के कोटे से नहीं किया है क्या? तेलंगाना में 4% मुसलमान आरक्षण के नाम पर नहीं दिया है क्या? आंध्र में जब उन्होंने ओबीसी ई कोटा बनाकर मुस्लिमों को दिया तो हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, फिर से उनको बैकवर्ड क्लास कमीशन जाना पड़ा उसके बाद, तो इन्होंने नहीं किया है क्या? अभी लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, ये स्टेटमेंट नहीं आया क्या? एएमयू में जहां पर SC ST ओबीसी को आरक्षण मिलता था, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में उसको काट कर उनका अधिकार मानने का काम नहीं किया है क्या? क्या मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम वोट बैंक राजनीति के चलते समाजवादी पार्टी ने 2012 में मुस्लिम आतंकी छोड़ेंगे ये वादा अपने मैनिफेस्टो में किया, उसको लागू भी किया, और 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच ने उसको रोककर कहा कि आज आतंकियों को छोड़ेंगे कल पद्मश्री देंगे, क्या ये नहीं हुआ है क्या? तो वोट बैंक के चक्कर में धर्म के आधार पर ना केवल संसाधन बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ जाकर आरक्षण मुस्लिम समाज को पूरा का पूरा ओबीसी SC ST कोटे से काट कर देने का काम। और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरी बहन रागिनी बहुत दिनों के बाद आई है डिबेट में, यह स्टेटमेंट है सलमान खुर्शीद का उत्तर प्रदेश के। सलमान खुर्शीद सेज 9% कोटा विल बी गिवन फ्रॉम द 27% कोटा इन
उत्तर प्रदेश और मैनिफेस्टो में भी डालने की बात हुई थी। फिर उसके बाद यह रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, जिसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया था, इसमें अलग अलग पैराग्राफ में ओबीसी कोटे में से ही नहीं बल्कि एससी की लिस्ट में मुसलमानों की बैकडोर एंट्री कराना और 15% एससी एसटी ओबीसी के सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स भी मुसलमानों को धर्म के आधार पर दे देना, यह वकालत रंगनाथ मिश्रा में भी की। और यह टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, टेलीग्राफ पेपर तो इनको अच्छा भी लगता है, यूपीए वर्किंग ऑन कोटा फॉर मुस्लिम्स, वो तो कैबिनेट तक चला गया था। देखिए, कोई पिछड़ा हो तो उसको ईडब्ल्यूएस में मिल सकता है, पर धर्म के आधार पर जब ये करते हैं, इसका मतलब ये आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ है और ये आंबेडकर जी की सोच के साथ भी खिलवाड़ है। अन्यथा रागिनी जी, एक बार आज मैं कहता हूं आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, मैं तैयार हूं अंजना को लिख कर देने के लिए। रागिनी लिख कर दे दे कि अभी तक जो धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया है वो गलत है, आगे नहीं देंगे, एससी एसटी ओबीसी कोटे से काटकर। अंजना जी, कितनी हास्यास्पद बात है, हमने कहीं पर अंजना जी लिखा था क्या कि हम आरक्षण हटाने वाले हैं या हम संविधान बदलने वाले हैं? नहीं, पर किसी के एक बयान को लेकर पूरी कांग्रेस की जमात ने हल्ला मचाया। अब यहां पर तो आपके एक कृत्य है, केवल मैनिफेस्टो नहीं, मैनिफेस्टेशन है। आप सरकार में जब रहे तब आपने ये मैनिफेस्टेशन दिया है, ये किया है।